कंचन बीबी, आप माने चाहे ना माने, मैं 100% श्योर हूँ कि वो दोनों पिक्चर गए हैं। अच्छा, और क्या? आने दो दोनों को, आज उनकी खैर नहीं। मामा, जल्दी से कोई अच्छा सा बहाना सोचिए। हाँ हाँ यार, क्या बताऊँ, कुछ डेफिनेट सूझ नहीं रहा है। ओहो, ये रहे दोनों भाई। अरे यहाँ खुसुर फुसुर क्या कर रहे हैं? आइए भाई, आपके स्वागत की तैयारी हो गई है, आइए आइए। बड़े डबल मीनिंग के डायलॉग मारता है ये, बड़ा नटखट है। इस नटखट की वजह से बहुत खटपट होती है घर के अंदर। इसे फटाफट सफा चट नहीं किया तो इस घर के पट हमारे लिए हमेशा के लिए शट हो जाएंगे। एक डट के घुसा दे दूं? आइए आइए, क्या बात है, आगे भाई। इतनी देर कहाँ थे तुम लोग? बहू, मैं तो मार्केट में एक जरूरी काम से गया था, बाकी ये कहाँ था ये मुझे पता नहीं है। रघु, कहाँ थे तुम? इनको जो जरूरी काम था ना, उसमें इनकी मदद करने गया था मैं। ऐसा क्या जरूरी काम था? वो क्या जरूरी काम था? तू छोटा है क्या? तू छोटा है, बड़ों से छोटी छोटी बातें नहीं बुलवाया करते। तू खुद ही बता देना कि ऐसा क्या जरूरी काम था मुझे जिसमें तू मेरी हेल्प कर रहा था, है ना? मामा देखिए, पहले आप बता दीजिए कि कौन सा जरूरी काम था आपको, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन से काम में मैं इनकी मदद करने गया था। मैं ना एक बुढ़िया को सड़क क्रॉस करा रहा था। 4 घंटे? अरे वो सड़क क्रॉस कर ही नहीं रही थी। मैं बार बार कहता था सड़क क्रॉस करो, कहती मैं नहीं करना चाहती हूँ। 4 घंटे बाद पता चला कि वो सड़क के इस पार ही रहती है। ओह, और तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ पर सड़क बना हुआ नहीं, मैं ट्रैफिक रोक रहा था मैं। अरे मैं ट्रैफिक हेडक्वार्टर चला गया, वहां पर अप्लाई किया, पुलिस कमिश्नर के पास गया मैं अप्लाई करने के लिए ट्रैफिक रोकने के लिए। हाँ, 4 घंटे लग जाते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऊपर से झूठ बोलते हो? कंचन, मैं अब कमाने वाला इंसान बन गया हूं, मुझे इस घर में कोई कुछ नहीं बोल सकता। अरे कमाने से कुछ नहीं होता, आज संडे है, आज तुम मुझे घुमाने नहीं लेके जा सकते, कुबे घुमाने लेके गए हो आज तक। नहीं, देखो कंचन, तुम नाराज मत हो जाओ मेरे साथ, तुम छोटी छोटी बातों पर हर आग। भाई और बहनों को धनियाराम का प्रणाम। दीदी दीदी जल्दी जरा, ये देखो, ये वही धनियाराम है ना जिसने हमारी कॉलोनी में नई साइकिल की दुकान खोली है। धनियाराम साइकिल की तरफ से भाई और बहनों आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर। धनियाराम साइकिल की दुकान से 1000वीं साइकिल खरीदिए और जीतिए नेपाल जाने के 2 टिकट और साथ में 3 रातें और 4 दिनों की नेपाल की मुफ्त सैर। और यही नहीं भाई और बहनों, नेपाल के मशहूर कसिनो में खेलने के लिए 10,000 रुपये के कूपन भी जीत सकते हैं आप। हम किसी को नहीं बताऊंगा कि कितनी साइकिलें बिक चुकी है। भाई और बहनों, हो सकता है 999 साइकिल बिक चुकी हो और सिर्फ आखिरी साइकिल बची हो, इसलिए फटाफट तुरंत हमें फोन कीजिए और जीतिए धनियाराम साइकिल कॉन्टेस्ट। मामा जी, मिल गया मौका कंचन की सारी शिकायतें दूर करने का। कैसा मौका भांजी? बस मामा, वो धनियाराम 1000 कॉन्टेस्ट मुझे जीत लेने दीजिए, उसके बाद मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। अरे भाई, मुझे तो ये सब बकवास लगता है, मेरे हिसाब से इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ मामा, भला आपको इस चीज में क्या इंटरेस्ट होगा, पर मुझे है ना, मुझे इंटरेस्ट है नेपाल जाने में। हाँ तेरी बात सही है, भला मुझे क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन तेरा प्लान है क्या वैसे? अरे मामा, बहुत सिंपल सा प्लान है। मैं धनियाराम को ऑफर दूंगा कि मैं उसकी 1000वीं साइकिल दुगने दाम पर खरीदूंगा। हाँ हाँ, और फिर वो खुद ब खुद बता देगा कि उसकी 1000वीं साइकिल कब बिक रही है, और फिर मैं जाऊंगा जुई नेपाल। आइडिया तो बहुत अच्छा है भांजे, लेकिन नेपाल तू नहीं, नेपाल मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। जमने, देखो हम तुम्हारे लिए कल आए हैं। बाबू मोशाय के पिक्चर के 2 टिकट। अरे तुम्हारे बाबू मोशाय, अरे उनकी अगर आज पिक्चर रिलीज हुई जाए ना और 2 टिकट हम खरीदने जाएं तो थिएटर फ्री में मिल जाए हमका। अरे कुछ आओ ना है जमना, कुछ खाने की चीज है। खाने की? आग बंद करो, खोलियो नहीं, बताओ। गिफ्ट लाया तो कहीं कड़ी पत्ता ला मेरे लिए। आज ये एक बात क्लियर हो ही जानी चाहिए। डक्कन, तू मेरे को लड़की समझता कि बकरी? क्या बात कर रही हो तुम? अरे तुम तो लड़की 100% लड़की है भाई।
देखो ये हम इसलिए लाए हैं कि सब्जी बनाते समय ये सब्जी में डाल दियो, सब्जी हो जाए टेस्टी, घर वाले हो जाए प्रसन्न, सैलरी तुम्हारे बढ़ जाइए। अब भी मेरे को तेरा प्लान समझ में आया। तू चाहता है कि मैं इस घर में जिंदगी भर नौकरानी बन के रहूं। का और कौन से घर में बनना चाहती हो? ए नौकरानी नहीं, मैं बनूंगी मालकिन। मालकिन? डक्कन, तू मेरे लिए वो धनीराम की वो 1000वीं साइकिल खरीदना। 1000वीं साइकिल? हाँ, फिर हम लोग नेपाल जाएंगे साइकिल में बैठ के। ए स्टूपिड, साइकिल पे बैठ के नहीं, वो काहे है 1000वीं साइकिल से हम लोग को जो इनाम मिलेगा ना, उससे हम लोग नेपाल जाएंगे, नेपाल जाके जुआ खेलेंगे, जुआ खेलने पर लखपति बनेंगे। अरे मग आयशी आयश आयशी आयश, हमको कैसे पता लगेगा कि 1000वीं साइकिल कौन सी है? स्टूपिड, इधर आओ। काहे ना तुम धनीराम के पास जाओ और हाँ। उसको बोलो वो 1000वीं साइकिल के लिए ये लो डबल पैसा, उसको ऐसा ना आफ्टर देने का। आफ्टर? हाँ, पेशकश, ऑफर। हाँ जमुना, आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। हाँ। अब हम जाएंगे नेपाल। कंचन, सिर्फ 2500 रुपयों का सवाल है, तुम मुझे 2500 रुपये दे दो और मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दूंगा। लेकिन रखू, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम 2500 रुपयों का करोगे क्या? ये क्या है निक्की? वो 2500 रुपये मैं सेठ धनियाराम को दूंगा और वो बदले में मुझे एक साइकिल देगा। मामा जी, 2500 की साइकिल खरीदने से तो अच्छा है कि उसमें कुछ और पैसे डालकर आप एक सेकेंड हैंड टैक्सी ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, तू समझी नहीं, ये ऐसी वैसी साइकिल नहीं है, ये है धनियाराम साइकिल नंबर 1000। हाँ जी, हाँ धनियाराम ही बोल रहा है, अब बोलिए ना। का छा छा साइकिल है? पूरी घर की बदल डालिएगा का? नहीं नहीं, आप कौन, चिंता की बात नहीं है, आप दुकान पर जाइए, डिलीवरी मिल जाएगी। हाँ जी हाँ जी, हाँ 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 हाँ, छा छा साइकिल। आप क्यों खड़े हैं? जी मैं रघु शुक्ला। बैठे ना, बैठे ना, खड़ा क्यों है, बैठे ना। बोलिए। वो मैं आपकी दुकान पर गया था पर पता चला कि आप अपना कारोबार यहाँ से चलाते हैं। नहीं, उसका कहा है भैया, दुकान जो है वो तो एग्जीबिशन और डिलीवरी के लिए है ना, दुकान में हमरा का काम है, हम तो यही बैठ रहते हैं, अपना यही दूरी जमा के। एकदम एकदम कैरेक्टर सर। आप बोले, वो क्या है कि, अरे अरे मैं तो भूल ही गया। नहीं नहीं, बातों से पहले आप अपना मुंह मीठा कीजिए। ये देखिए, आपकी बहू ने एकदम प्यार से अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। जरा देखिए, बहू ने बनाया है। हाँ जी। अरे वाह वाह वाह, अच्छा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात बताइए भैया, हमारा तो कोई बिटवाई नहीं है, तो बहू कहाँ से आ गई? बस दिल तोड़ दिया ना आपने मेरा। क्या हुआ सर? पता नहीं क्यों, आपको देखकर मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल आपकी शक्ल, मेरा बहुत ख्याल रखते थे वो। मैं जब भी कुछ सीखना चाहूं तो मुझे सिखाते थे। मैं जब भी उनसे कोई सवाल करता तो वो फट से जवाब दे देते थे। सर मान लीजिए कि अगर वो आपकी जगह होते तो मेरे हर सवाल का जवाब देते वो। अगर मैं उनसे पूछता, बापू धनियाराम का 1000वां साइकिल कब होगा, तो वो मुझे तुरंत बता देते, फटाक से बता देते, है ना, है ना? तो आप भी बताएंगे ना सर? बताएंगे बेटो, जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। बट दुखी कर दिया। आप क्यों दुखी हुए? हमरी भी एक दर्द भरी कहानी है भैया। सुनाइए। हमरा भी एक बेटा था, बहुत खूबसूरत, तुमरे जैसा। जब भी वो कुछ पूछता हम उसको बताते। ऐसे ही एक बार, पिछली बार जब हमने धनियाराम 1000 साइकिल का कॉन्टेस्ट रखा तो उसने हमसे पूछा क्या? और भैया हमने उसको आंसर बता दिया और वो पटाक से नेपाल चला गया। ओ, ओ, और वापस नहीं आया। ओ,
अगर तुमको हमने आंसर बता दिया तो तुम भी नेपाल चले जाओगे और वापस नहीं आओगे। नहीं नहीं हमने एक बिटुआ खो चुके हैं, अब हम दूसरा बिटुआ नहीं खो सकते। बिटुआ छोड़े मेरे को। देखिए भाई साहब, मैं आपको सीधे सीधे बोल देता हूँ, आप बता दीजिए कि धनियाराम कॉन्टेस्ट की 1000वीं साइकिल कब बिकेगी, मैं आपको दुगने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बिटुआ बिटुआ फिर से बिटुआ? नेपाल वाला बिटुआ है? बिटुआ मेरा बिटुआ देख, बंबई का बिटुआ क्या कर रहा है? बाप और बेटे में पैसा कहां से आया बिटुआ? आ जाता है कभी कभी। नहीं नहीं आता, बहुत पाप लगता है। तुमको पाप लगेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी लोग तिगुना देने को तैयार है बेटा। बहुत दुख हुआ हमें। अबे ओ सीधे से यहां से निकल ले अब। अगर तेरा बाप बिगड़ गया ना तो तेरा हुलिया बिगड़ते देर नहीं लगेगी। चलो मेरी बात तो सुनिए। मिठाई मिठाई रहने दे। चलो और बाकी लोग भी सुन लो, जो लोग रिश्वत देकर धनियाराम 1000वीं साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं वो लोग बाहर आए और निकल जाएं। जी सर। अबे वो मैं आपसे पहले आया था, जैसे आप रघु को देख के छुपे थे ना वैसे मैं आपको देख के छुपा था। एक मिनट, ये हमारी बहू की मिठाई है, हाथ नहीं लगाना, चलो निकलो। धनियाराम की 1000वीं साइकिल कब बिकेगी मुझे पता है। 1000वीं साइकिल यहाँ पर इसके हिसाब से। भाई साहब आपको कैसे पता? बंदे को धनियाराम की साइकिल शॉप का अकाउंटेंट कहते हैं, हर बिकती हुई साइकिल के बारे में जानता हूँ मैं। कीमत पहली इंफॉर्मेशन का 1000 रुपए। निकालो निकालो निकालो, मैं गिन लूंगा मैं गिन लूंगा। हाँ बताइए। अब तक 850 साइकिल जा चुकी। हाँ, 1000वीं की बारी कब आएगी? अरे मैं अकाउंटेंट हूँ यार, ज्योतिषी थोड़ी ना हूँ, फिर भी आईडी के लिए बता देता हूँ तुमको। जिस रेट से साइकिल जा रही है ना उसके हिसाब से कल दोपहर तक 1000वीं साइकिल चली जानी चाहिए। ओके और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कल दोपहर 12 बजे यही मिलो। ओके फाइन, थैंक यू। यस। तो आप लोग कौन? घबराइए मत भाई साहब, हम बहरे हैं। आपने जो साइकिल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है वो हमने सुनी नहीं है ना डकन? हाँ हमने कुछ नहीं सुना। रघु 1000-1000 करके सारे पैसे तुमने ले लिए तो हम नेपाल में क्या खर्च करेंगे? अरे नेपाल की नेपाल में देख लेंगे यार, पहले नेपाल पहुंच तो जाए। नेपाल पहुंचने के लिए 1000 रुपए बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। मामा जी क्या आपको पूरा यकीन है कि वो नेपाल वाला इनाम हम ही लोगों को मिलेगा? 100% यकीन है बेटा। अरे हमारे कंपटीशन में है कौन? रघु और डक्कन, उनको तो मैं चुटकियों में हरा दूंगा। ए डक्कन, हम लोग नक्की जा रहे हैं ना? एकदम पक्का है जमुना, चिंता मत करो। देखो हमारे कंपटीशन में 2 लोग हैं, एक है मामा जी दूसरा है रघु साहब, और इन दोनों को तो हम चुटकियों में निपटा देंगे। अरे पण डक्कन जिस तरह हम लोग ट्राई मार रहे हैं वैसे बाकी बहुत सारे लोग पण ट्राई मार रहे होंगे ना, उनका का है? मारते रहे? अरे हमारे हाथ में जो पत्ता लगा है ना उसके बारे में किसी को पता नहीं है। हेलो क्या 900 हो गए? ठीक है। हेलो अच्छा हाँ ठीक है ओके ओके। नेपाली की ठंडी ठंडी हवा। दीदी 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 मुझे तुम्हारा रेड वाला स्वेटर दो ना प्लीज। निक्की तुम इस बॉम्बे की गर्मी में स्वेटर पहनोगी? दीदी मैं इस बॉम्बे की गर्मी में स्वेटर नहीं पहनने वाली, वो तो मुझे है ना वहाँ। मुझे कहाँ? मैं कहीं भी पहनू तुम्हें उससे मतलब? कंचन दीदी मेरे को तुम्हारा वो लाल वाला स्वेटर दो ना। तुम भी इस गर्मी में स्वेटर पहनना पसंद करोगी? चलो गर्मी में कौन स्वेटर पहनेगा, मैं तो उधर उधर किधर तुमको क्या करने का है? मेरे को स्वेटर दो ना, मैं किधर पहनूं? आहा मुझे सब मालूम है,
तुम और ढक्कन नेपाल जाने का प्लान बना रहे हो ना? क्या? हाँ दीदी, ये दोनों नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन डरना मत, नेपाल तो मामा जी और मैं ही जाएंगे। क्या? चलो नेपाल मियानी ढक्कन जाएंगे, हमारा इनाम हम तुमको हरगिज नहीं देंगे। एक्सक्यूज मी, इनाम तुम्हें मिलेगा तो तुम मुझे दोगी ना? इनाम तो मामा जी को ही मिलने वाला है। एक्सक्यूज मी, मामा जी को नहीं, रघु को मिलेगा। रघु ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे नेपाल लेके जाएगा। रघु साहब का प्रॉमिस गया चूल्हे में? मैंने ढक्कन को पूरे एक महीने की तनख्वाह दी है। मैंने भी अपनी पॉकेट मनी दी है, तो मैंने भी तो पैसे दिए है, और मुझे पूरा विश्वास है कि रघु ही जीतेगा, मामा जी ही जीतेंगे। ढक्कन ही जीतेगा, रघु जीतेगा, मामा जी, ढक्कन, रघु, मामा जी। मैं आ गया। बताइए फाइनल स्कोर क्या है अंकल? आंटी पहले हजारों निकालो, फिर बताऊंगा हजार हुए कि नहीं। हजारों मतलब? देखो भाई, इम्तिहान की घड़ी पास आ गई है, इसलिए रेट भी बढ़ गया। अब इन्फॉर्मेशन पास करने के हजार रुपए नहीं, 3000 लगेंगे। निकालो। 3000 रुपए? देखिए भाई साहब, इतने तो है नहीं मेरे पास, 1000 रुपए है आपको देने के लिए और बाकी के तो साइकिल खरीदने के लिए है। सॉरी बॉस, फिर मैं लेटेस्ट स्कोर नहीं बता सकता आपको। आप एक काम कीजिए, आप यहीं पर रहिए, मैं घर जाकर पैसे लेके आता हूँ। उससे पहले कोई आ गया तो? क्या करूं? मैं एक आइडिया देता हूं। हाँ। पीछे तुम्हारे दो बहरे रिश्तेदार खड़े होंगे, उनसे ले लेना। पीछे दो बहरे रिश्तेदार? शाबाश भाई साहब, ये लीजिए। बताइए, अब तक 999 साइकिल बिक चुकी है, आखिरी बाकी है, भागो। अरे ये लीजिए 1500 रुपये और साइकिल मुझे दीजिए। हाँ ठहरिए, साइकिल मुझे दीजिए। नहीं नहीं, पैसे मैं दे रहा हूँ, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। साहब मैं गरीब आदमी, देखिए सुबह सुबह अखबार बांटूंगा साइकिल से, मुझे दे दीजिए ना। अखबार नहीं बांटता, ये मेरे घर पे काम करता ही है। अरे तू छोटा है, हट। अरे आप मोटे हैं, हट जा। एक मिनट, साइकिल आप तीनों में से किसी को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने इसका रेट बढ़ा दिया है, बढ़ाकर 4500 कर दिया। 4500? हाँ। 4500 हम कहाँ से लाएंगे भाई? हमारे पास तो नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। आप तीनों मिलकर दे दीजिए। देखिए, जो आदमी पहले अपने पार्टनर को यहाँ लाएगा, उसी को नेपाल का टिकट मिलेगा, समझे? लाइए पैसे। हमने तो पहले दे दिया आपको। हाँ ठीक है, चलो भागो। इतनी जल्दी? आराम से जा सकते हैं। अरे भागे, पकड़ो कंचन, कंचन चलो जल्दी, चलो जल्दी भागो। लेकिन मामा जी, इतनी जल्दी क्या है? अरे जो पहले पहुंचेगा इनाम उसी को मिलेगा, चल। जमुना भाग, जल्दी भाग, वो फर्स्ट फ्लोर पे, हम ग्राउंड फ्लोर पे जल्दी पहुंचेंगे। सामान कहाँ है? रास्ता छोड़ो, हट जा, नेपाल जाएगा, हम नेपाल जाएगा। आप कहाँ नेपाल जाएंगे साहब जी? हम लोग जाएगा नेपाल। नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं, मैं जाएंगे नेपाल। अरे हम जाएंगे, हमने बोला। अरे कैसे जाएंगे, कांटेस्ट तो हमने जीता है साहब जी, हमने जीता। एक मिनट कंचन, बहुत बोलती हो तुम। ये कंपटीशन किसी ने नहीं जीता है, वो पढ़ो। क्या पढ़े? अरे ये नोटिस, कोई जीता है तो वो सिर्फ धनिया राम है। हटो, एक मिनट पढ़ने दो, एक सेकंड। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। देवियों और सज्जनों, धनियाराम 1000 कॉन्टेस्ट को सक्सेसफुल करने के लिए शुक्रिया। नए शहर में धंधा पानी ठीक से नहीं चल रहा था, ऊपर से बीवी के ताने सुनने पड़ते थे कि मैं शादी के 30 सालों में उसे कहीं लेकर नहीं गया, इसीलिए धनियाराम कॉन्टेस्ट शुरू किया। अब मैं ये दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद करके बीवी को घुमाने ले जा रहा हूँ, 3 रात 4 दिन के लिए नेपाल से धनियाराम। तो अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, वो नेपाल गया है। नेपाल गया।